जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय इलेक्ट्रोपैथी। मैं डॉक्टर रणदीप शर्मा, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन। दोस्तों, आपके बीच में आज हम एक शेयर करने जा रहे हैं मलेरिया। मलेरिया होता कैसे है और किस तरह होता है और हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम करने थे। मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। इसो की इंग्लिश भाषा में है या मेडिकल फील्ड में प्लास्मोडियम बोला जाता है, प्लास्मोडियम, जो कि 5 टाइप्स की इनकी जातियां होती है और इसके अलग अलग मॉस्किटो होते हैं जो कि 5 जाति होते हैं। वो काटने से हमारे शरीर में काफ़ी तकलीफ़ें का सामना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसको काटने से हमारे शरीर में ब्लड में इन्फेक्शन तेज़ी में बढ़ता है। इसके कारण हेडेक, कभी वॉमिटिंग होना, सर्दी, खांसी, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आज एक चीज़ भी आ रहा है, आज मलेरिया के साथ में बहुत सारी बीमारियां साथ में हो रही है। कारण लोग केमिकल से चीज़ खा रहे हैं, इसके कारण बहुत सारी समस्या होते जा रही है। तो हम सिर्फ मलेरिया के बात करते हैं। मलेरिया किसी भी व्यक्ति को हुआ है तो किस तरह हम रोक सकें। तो मलेरिया के व्यक्ति को समय पे बुखार आना, हेडेक होना और सर्दी खांसी होना, उसको रोकने के लिए हमें लिक्विड की आवश्यकता ज़्यादा है। पानी गर्म करके हमें ज़्यादा पीना है और जूसी पदार्थ ज़्यादा खाने हैं, तो इसके कारण हमारे शरीर स्वस्थ होगी और मस्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें जाना कि इसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जब फीवर इसका टाइम टू टाइम आता है, इसका मियाद जो होता है 5 से 7 दिन का होता है, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेडिसिन इस्तेमाल करें। F1, VAR1, L2 और C11। F1, VAR1, L2 और C11 इस्तेमाल करेंगे तो, और इसको दिन में 5 to 10 ड्रॉप्स वार्म वाटर में, कांच के गिलास में, आधा कप पानी में खाने के बाद में 10 मिनट के बाद में पिलाएं। और जब फीवर डाउन रहती है तो F1 का फर्स्ट डाइल्यूशन को डोज पिलाएं और फीवर आने के बाद में हायर डाइल्यूशन का इस्तेमाल करें ताकि फीवर कम हो सके, और जब फीवर नहीं रहेगा तो फर्स्ट डाइल्यूशन करें। और F2C5WE का पॉइंट नंबर 24, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 1, 2 पर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका मलेरिया नाम की बीमारी दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज मलेरिया में जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेडिसिन देते हैं तो हमें उनको खान पीन के लिए हमें मूंग की दाल का खिचड़ी या मूंग के दाल का लिक्विड ही ज़्यादा पिलाना होता है, जबकि अदर पैथी में उन्हें रोटी, सब्जी, साग, सलाद और जूस देना होता है, दूध वगैरह देना होता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमने दिया है मूंग के दाल की पानी पिलाई है, मूंग के दाल की खिचड़ी दिया है और अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जो चीज़ हमने बताया है इस चीज़ को दिया है। अब पेशेंट जल्दी कवर अप में है। लेकिन आज के डेट में मलेरिया के साथ में कभी कभी प्लेटलेट डाउन की भी समस्या आ रही है, लीवर में स्वेलिंग की भी समस्या आ रही है, तो आप जिस तरह का आपका समस्या रहेगा उस तरह पर आप मेडिसिन अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो मलेरिया की स्थिति में है तो F1, VAR1, C11 और L2, यानी कि कहने का मतलब है F1, VAR1, A2, C5, S5, L1, S1, A3 को निगेटिव डाइल्यूशन में दें, दिन में 3 से 4 बार दें।
खाने के 10 मिनट या आधा घंटे के बाद, और जब फीवर न रहे तो F1 का फर्स्ट डाइल्यूशन दे। तो इससे उसका बहुत जल्द से जल्द फीवर, मलेरियल फीवर डाउन हो जाएगा। और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉयल करके पिलाने का प्रयत्न करें। और अपने घर में सुरक्षित के लिए आपका क्या बोलता है, फूल के झाड़ हो या ड्राम में पानी हो, तो वहाँ आसपास में मच्छर पनपने न दें और पानी ज़्यादा समय ना रहने दें, पानी को चेंज करते रहें। और जब पानी को चेंज करते रहेंगे तो यानी घर सुरक्षित होगी, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्लांट्स का मेडिसिन पीते रहेंगे तो आप जल्दी सुरक्षित होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक काम और करना है, S1 Ver2 Y को एक स्प्रे बनाएं और पूरे घर में छिड़काव कर दें, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो S1 Ver2 Y के माध्यम से अपने घर का भी इन्फेक्शन दूर हो। यह चीज़ करने की आवश्यकता है, और इस तरह हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार प्लस इलाज होगा, और इससे हमारे काफ़ी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला होगा। तो आज मलेरियल का हमने देखा है, मलेरिया आज तक मुझे 15 साल में मलेरिया का केस नहीं मिला था, लेकिन इस समय हमें वाइवेक्स मलेरिया मिला, इसके कारण हमने यूज़ किया और हमें 2-3 दिन के अंदर में रिजल्ट काफ़ी मिले। क्योंकि इसमें फीवर बहुत तेज़ी में बढ़ता है, और फीवर उतरता है तो पसीना आके आता है, रेगर होता है, मतलब कांपते हैं, लेकिन कितनी भी कुछ अप करो तो जल्दी कवर अप नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन ही देते हैं, और हमने उसको F2C5 Ver2 WE का स्प्रे भी हमने बॉडी बाथ भी करवाए हैं। F2C5 Ver2 WE का बॉडी बाथ भी कराएं, यह करें ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बढ़ावा हो। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।